आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को लेकर के बहुत सारा क्वेरी आते हुए दिख रहा है और हमने आपको कहा था कि जो छह रूपए पचास पैसे के आसपास से स्टॉक में तेजी दिखी आठ रूपए पचास पैसे तक का उसके बाद थोड़ा बहुत ये करेक्शन तो बनता ही था अगेन ये स्टॉक पुल बैक ट्रेडिंग के पर्पज से आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा वेट करना चाहिए फ्रेश मोमेंटम इस स्टॉक में आठ रूपए पचास पैसे के आसपास का ही दिखेगा और इस स्टॉक में देखेंगे तो लगभग 40-50 परसेंट तक की डिलीवरी जा रही है तो इस स्टॉक में बहुत शॉर्ट टर्म यानी तीन से पांच दिन में आप चाहते हैं कि 10-5 परसेंट कमा ले तो शियोरलीस इसको इग्नोर करें लेकिन अगर मीडियम टर्म यानी मोर देन टू मंथ के लिए आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आपको लगभग बीस पच्चीस तक के रिटर्न इजिली मिल सकते हैं और दूसरा स्टॉक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जेपी पावर को मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको स्टॉक चाहिए तो रेडिंग स्टॉक को आप ध्यान दे सकते हैं जहां इस स्टॉक में हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है जहां ये स्टॉक आज से कुछ दिन पहले लगभग आप देखेंगे तो ये 140 के आसपास के प्राइस पे था लेकिन इस समय इस स्टॉक में अगर प्राइस देखेंगे तो एक सौ के आसपास का है और 50 परसेंट तक की डिलीवरी इस स्टॉक में कंटिन्यूअस दिख रही है पिछले वन वीक में स्टॉक ने लगभग दस परसेंट तक के रिटर्न दिए हैं ऑलरेडी ये स्टॉक को मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में रिकमेंड कर दिया था बाइंग के लिए तो पर्सनली रिकमेंडेशन रहेगा कि रेडिंगटन स्टॉक को आप पकड़ सकते हैं जहाँ 166 के आसपास का प्राइस है नॉट बैड दिस इज ऑल्सो अ गुड बाइंग प्राइस तो आप इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं इस स्टॉक में एक अगेन स्ट्रांग मोमेंटम आपको एक के ऊपर के क्लोजिंग पे दिखेगा और जो पहला टारगेट इस स्टॉक में होने वाला है एक सौ का होने वाला है सेकेंड टारगेट दो एक सौ नब्बे वन हंड्रेड के टारगेट इस स्टॉक में विद इन टेन टू मैक्सिमम टेन डेज के अराउंड में आपको एक सौ नब्बे यानी वन हंड्रेड तक के टारगेट दिख सकते हैं ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा करेक्शन में है लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी तेजी दिख सकती है